पूरे भारत में लगातार महिलाओं और बच्चों पे जो बलात्कार होते हैं, जो उसके कारण जो अपनी जान गंवाती हैं, उनके लिए कई बार प्रोटेस्ट हुए हैं, कई बार सरकारें चली गई हैं, मगर हालात जस के तस हैं। आज हालात फिर वही आ गए हैं। हाथरस की एक बिटिया ने इसी कारण अपनी जान गंवा दी है। पिछले कई दिनों से वो एडमिट थी और आज उसकी मौत हो गई है, उसकी मृत्यु हो गई है। ये उसी का जीता जागता उदाहरण है। ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि आखिर ये चीज़ें कब तक चलेंगी, क्यों नहीं ऐसे लोगों के साथ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाती है ताकि ऐसी चीज़ें कभी भी दोबारा रिपीट ना हो। हर बार होता है, चाहे निर्भया कांड हो, चाहे कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो, दुर्घटना हो, सब में वही होता है। फांसी तक हुई है मगर ये चीज़ें सुधर नहीं रही हैं, ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही हैं। और आप खुद सोचिए, लोग कहते हैं कि जिसके घर बेटी आती है वो खुशकिस्मत होता है, किस्मत वालों के घर पे बेटी पैदा होती है, मगर अब उन्हीं माँ बाप को बेटी पैदा होने की वजह से डर लगने लगा है। क्योंकि अगर बेटियों के साथ ऐसा ही होगा तो कौन माँ बाप अपनी बेटियों को सुरक्षित मानेगा और सेफ तरीके से उनको परवरिश दे पाएगा। ये मौन पैदल मार्च है और ये इसलिए है कि आज एक हाथरस में बिटिया ने अपनी जान गंवाई है और उसका कारण भी यही लोग हैं, यही वो व्यक्ति हैं जिनके कारण एक बिटिया ने ये सब सहा और आज उसने अपना दम तोड़ दिया। उसी को श्रद्धांजलि, उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ये लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, मौन हैं, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है कि आखिर कब तक ये देश में ऐसा ही चलेगा और हम कैसे उस बिटिया को या आने वाली उन पीढ़ियों को, खासकर उन बच्चियों को, हम न्याय दे पाएंगे, क्या हम उनको आगे सुरक्षित रख पाएंगे। और हालात देखिए, यह वो लोग हैं जो जवाब नहीं दे पा रहे। मुंह पे मास्क जरूर लगा रखा है मगर ये जवाब देने की स्थिति में नहीं है। और ये नज़ारा है गामी रोड सी ब्लॉक का और यहाँ पे ऐसे ही कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, पदयात्रा निकाली जा रही है ताकि उस बच्ची को एक श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा सके। ये गामली रोड का नज़ारा है, पांचा पुस्ता गामली रोड, और ये सी ब्लॉक के निवासी हैं जो कि उस बिटिया को श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा रहे हैं, उसके लिए कैंडल मार्च निकाल के उसको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, मगर निशब्द हैं, उनके पास जवाब नहीं है कि आखिर ये कब तक चलेगा। और उस बिटिया को, उस गुड़िया को जो आज इस दुनिया से उन दुराचारियों की वजह से चली गई, अपनी आधी अधूरी ज़िंदगी छोड़ के, उसको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं, उसको कैंडल मार्च निकाल के यहाँ पे उसके नाम के लिए, उसको श्रद्धा के लिए, उसके आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे कैंडल जला के भगवान से प्रार्थना की जा रही है। और भगवान से ये प्रार्थना की जा रही है कि उसकी आत्मा को शांति मिले। ये 2 मिनट का मौन रख रहे हैं उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए, उस गुड़िया, उस बिटिया के लिए, जिसको अब न्याय की गुहार है और जिसकी अब न्याय की प्रतीक्षा है। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और ये हादसे कब रुकेंगे इस देश में, इसके लिए और इतना सब कुछ हालात देश में बिगड़ते जा रहे हैं कि ना शासन का, प्रशासन का जो लचर व्यवस्था है, जिसके आगे किसी के भी बहू बेटी को दीन दहाड़े इस तरीके का जघन्य अपराध कर दिया जाता है, कोई पुलिस प्रशासन की सुरक्षा नहीं होती है, हॉस्पिटलों की ये हालात है कि 15-15 दिन तक वो बिटिया जो है तड़पती रहती है हॉस्पिटल में, वो भी दिल्ली जैसे हॉस्पिटल के अंदर जो देश की राजधानी है। प्रशासन कहाँ सो रहा था जब वो बिटिया 15 दिन से यहाँ पे तड़प रही थी, उसको पूरी सुविधा क्यों नहीं मुहैया कराई गई, उसको बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल एक से एक है यहाँ पे, उसको वैसी सुविधा क्यों नहीं दी गई कि वो बच्चिया की जान बचे। 15 दिन से तड़प तड़प के वो बच्ची जान देती है इस देश की राजधानी के अंदर, वो किसी की भी बच्ची हो सकती है, हमारी, आप इनमें से किसी की भी, इस पूरे देश की बच्ची थी वो।
लेकिन आज जो लाल फीताशाही जो है उसने उस बच्ची की जान को निगल गया। आज उसकी आत्मा को शांति के लिए हमारे जो भी यहाँ के कॉलोनी के नगर के जो वासी हैं वो उसके आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि हम लोग लेके आए हैं। और हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि इन सब चीज़ों की पुनरावृत्ति न हो देश के अंदर। इसलिए हम आवाज़ उठाना चाहते हैं कि चाहे बच्ची किसी की भी हो, आज अगर किसी एक राजनेता के किसी परिवार का पर्स खोता है 24 घंटे के अंदर उसे अरेस्टिंग हो जाती है, किसी की भैंस चोरी होती है पूरा प्रशासन लग जाता है, लेकिन आज किसी की बिटिया का 15-15 बंदे मिलके जो है रेप करते हैं, बलात्कार होता है, मर्डर होता है और ना प्रशासन जागती है ना शासन जागती है, तो कानून व्यवस्था कहाँ है देश के अंदर? ठीक है, इसी के साथ जो है मैं ये कहूँगा कि भाई बिटिया को श्रद्धांजलि ओम शांति के नाम से जो है हम लोग देना चाहते हैं। और गवर्नमेंट से यही बस प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इन सब चीज़ों पे नकेल लगनी चाहिए। बच्ची चाहे किसी भी की हो, किसी का भी परिवार हो, उसको पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, पूरा न्याय मिलना चाहिए। आज हम सब लोगों ने ये एक मौन मार्च निकाला है और बेटी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस देश में संविधान नाम की कोई चीज़ है अथवा नहीं है? आर्टिकल 227 कहाँ गया? विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट के वायलेशन क्यों हो रहे हैं? विटनेस प्रोटेक्शन के नाम पर पेपर फॉर्मेलिटी होती है, ये ऐसा क्यों है कि विटनेस को पूरी प्रोटेक्शन नहीं होती, उस पर अटैक होते हैं, मार दिए जाते हैं? ये सब देश के अंदर ये क्या हो रहा है? गृह मंत्री क्यों सो रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर क्यों सो रहे हैं? बराबर ये जो इस तरह की दरिंदगी जो दरिंदे करते हैं, इनके खिलाफ हम सबको एकजुट होकर अगर प्रशासन साथ नहीं देगा, अगर कानून साथ नहीं देगा, तो किस दिन पब्लिक आक्रोश में आकर खुद ही इन दरिंदों को इंसाफ देना शुरू कर देगी। इससे पहले मेरा निवेदन है इन सारे नेताओं से, इन सारे प्रशासन से, कि इन दरिंदों को इस तरह के घटनाएं होने से पहले ही दबा दिया जाए और आगे कोई भी इस घटना को करने से पहले, सोचने से पहले उसकी रूह कांप जानी चाहिए कि किसी भी बच्चे के साथ इस तरह की अगर दरिंदगी की तरह घटना करता है तो वो इस दुनिया में रहने लायक नहीं है। मेरा तो यही निवेदन है। भैया, मैं गवर्नमेंट से सिर्फ एक अच्छे कानून की, जिस तरीके की अभी दरिंदगी आप सबको मालूम है हाथरस की, वो बेटी बल्कि भारत की बेटी जिसके साथ ऐसा हुआ, सिर्फ केवल 19 वर्ष की थी वो। इसी तरह की घटना आपने एक हैदराबाद में देखी, वो प्रियंका रेड्डी वाला, सेम इसी तरह का आप उन्नाव रेप पीड़िता को देखते हैं, उसमें भी जो ये इस तरीके की घटना को अंजाम देने वाले अपराधी होते हैं उन सबको बचाने की कोशिश की जाती है प्रशासन के द्वारा, जबकि एक ऐसा कड़ा कानून इन सबके खिलाफ आना चाहिए जिससे कि ऐसा करने के बारे में सोचने वाले की भी रूह कांप जाए।